संभल में हुई हिंसा के बाद आज संभल की जामा मस्जिद में पहली बार जुमे की नमाज हुई। ऐसे में संभल में पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन जुमे की नमाज के साथ साथ संभल की जामा मस्जिद के सर्वे वाले केस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। पिछले 6 दिन से आप संभल हिंसा पर जोरदार सियासत देख रहे हैं, कैसे संभल हिंसा में मारे गए लोग पर यूपी पुलिस, यूपी सरकार, विपक्ष के नेताओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में जब जामा मस्जिद के सर्वे वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो हर कोई यही सोचने लगा कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया तो मस्जिद पक्ष और विपक्ष वाले खुश हुए, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि ये किसी की जीत नहीं है, अब जो होगा हाई कोर्ट में होगा। देखिए स्पेशल। संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष खुश नजर आ रहा है? मस्जिद के सर्वे पर भड़की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर स्टे लगा दिया? संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर हिंसा भड़कती है, हिंसा में 4 लोगों की मौत हो जाती है। पूरा विपक्ष एक तरफ से कहता है यूपी पुलिस संभल हिंसा की जिम्मेदार है, यूपी पुलिस की गोली से ही 4 लोगों की मौत हुई है। 24 नवंबर को दूसरी बार जामा मस्जिद के सर्वे पर कोहराम मचता है और संभल हिंसा की आग में झुलस जाता है। जिस वक्त पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी है और संभल हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है इसको लेकर बहस चल रही है, इसी बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और अर्जी देता है जिसमें कहा जाता है कि संभल सिविल कोर्ट ने एक तरफा सुनवाई करके सर्वे का आदेश दे दिया और जल्दबाजी में उसी दिन सर्वे भी करा दिया। प्रतिवादी को ना तो नोटिस जारी किया गया और ना ही प्रभावित पक्षों को अपना जवाब रखने का मौका दिया गया। मस्जिद कमेटी और राज्य सरकार से भी कोई पक्ष नहीं लिया गया। निचली अदालत से ऐसे आदेशों का असर देश भर के पूजा स्थलों के बारे में दायर अर्जियों पर पड़ सकता है। ऐसे आदेशों से सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने और कानून व्यवस्था की दिक्कत पैदा होने का खतरा है। निचली अदालत को ऐसे आदेश देने से रोक लगाई जाए और कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही जमा कराया जाए। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू होती है और दूसरी तरफ संभल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज की तैयारी शुरू होती है। फिर से पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती थी कि जुमे की नमाज के वक्त या फिर बाद में कोई उपद्रव या बवाल न हो। संभल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और इस गर्म माहौल के बीच करीब 1000 लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। इधर संभल में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा होती है, उधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जामा मस्जिद को लेकर बड़ा आदेश सुनाता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कुमार की बेंच मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के वकीलों के सामने आदेश देती है जिसके 6 अहम पॉइंट हैं। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में सही और गलत क्या है हम अभी ये नहीं देख रहे। याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम इसे पेंडिंग रखेंगे, ये सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। हाई कोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, दोनों समुदायों में शांति का गठन करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट अपेयर हो रहे थे उनसे कहा कि आप इस बात को मेक श्योर करिए कि वहां पर पीस और हार्मनी मेंटेन हो, कोई झगड़ा ना हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ट्रायल कोर्ट
बिल्कुल भी सूट और जो मुकदमा फाइल हुआ है नीचे जिस पे सर्वे का ऑर्डर हुआ है वो आगे नहीं बढ़ेगा और उसको स्टे कर दिया है, नो फर्दर प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हाई कोर्ट में जो मस्जिद कमेटी है उसने जो चैलेंज किया है हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके वो सुनवाई नहीं हो जाए और हाई कोर्ट इस इशू को फर्स्ट डेट पे डिसाइड ना कर दे, तब तक ट्रायल कोर्ट अपने सूट में आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तीसरी बात कही कि जो एडवोकेट कमीशन अपॉइंट हुई थी या कमिश्नर जो अपॉइंट हुए थे जिन्होंने सर्वे कराए उनकी अगर कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट सील्ड कवर में ट्रायल कोर्ट में रखी जाएगी और उसको खोला नहीं जाएगा। जो वहां की मस्जिद कमेटी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं, ये सारी बातें हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद केस में सर्वे की रिपोर्ट को सील रखने का आदेश दिया है और संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात भी कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी और विपक्ष आमने सामने। संभल की जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष और विपक्ष के नेता इस आदेश को एक बड़ी राहत मान रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि वो तो न्यायालय के आदेश का पालन सदा करते हैं, विपक्ष ही हंगामा मचाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। पांच लोगों की हत्या होगी और ऐसी अराजकता पूरे देश के अंदर होगी, यही अजमेर के अंदर हो रहा है। तो हम तो कल कई दिन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहाँ से हमें फैसला मिलेगा, हमने SLP डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफी मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी, खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला और जो उन्होंने जिस तरह की रोक लगाई वो प्रशंसनीय है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। बड़ी राहत मिली है और जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि और निचली अदालत को ये हिदायत दी है कि संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में कोई भी निर्णय और फैसला ना किया जाए। हालांकि संभल में मस्जिद के अंदर हुए सर्वे की रिपोर्ट को 29 नवंबर को ही निचली अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में क्या है ये बाहर आना मुश्किल दिख रहा है क्योंकि अब वो रिपोर्ट 8 जनवरी को आएगी। आज तक ब्यूरो के ऑर्डर के बाद संभल की जामा मस्जिद के सर्वे का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना होगा हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष के दावे को सही मानता है या फिर हिंदू पक्ष के, सर्वे के ऑर्डर को बरकरार रखता है या सर्वे पर ही पूरी तरह से रोक लगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ संभल हिंसा को लेकर सरकार बनाम विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। आज भी संसद में विपक्ष के तमाम दल संभल हिंसा को लेकर चर्चा की मांग करते रहे। संभल हिंसा को लेकर विपक्ष का संसद में हंगामा जारी है। आज भी संसद ठप रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मांग यही है कि संभल हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर जब तक सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होगी तब तक हंगामा जारी रहेगा। सरकार स्पष्ट करे कि वे कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। क्या सरकार ने कहा कि अडानी पे चर्चा होगी या कब होगी?
क्या सरकार ने कहा कि मणिपुर पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा संबल पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि चीन पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि विदेश नीति पे चर्चा होगी या कब होगी? सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं आए। जो आदेश एक तरफा हुआ, आदेश के दो घंटे के अंदर भारत सरकार के वकील भी वहीं खड़े नजर आए, गृह मंत्रालय के वकील खड़े नजर आए, दोबारा बिना आदेश के वहां चले गए। सब पे पूरी पूरे एपिसोड की जांच होनी चाहिए ना, और जांच अपनी जगह है। हम लोग रोज सदन में नोटिस देते हैं कि उस पर चर्चा की जाए। लोकसभा में, लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई मंदिर है जहां चर्चा हो और सच बाहर आए, सरकार का घिनौना चेहरा बाहर ना आ जाए, इसलिए सरकार बहस नहीं करने दे रही। एक तरफ हिंसा को लेकर संसद में विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हिंसा की तहकीकात को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संबल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी, और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर यह है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए, और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। जहरीले भाषण मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे, और ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के जो निदेशक श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको अगर उपचुनावों में समझ में नहीं आया तो 27 में उनको जरूर समझ में जनता आए, ऐसी भाषा में समझाएगी। बड़ी बात यह है कि संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी। जांच और भरपाई से ज्यादा जो जुल्म वहां हुआ है, जुल्म को सबके सामने रखने के लिए अगर ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और इतना झकझोड़ने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद अब शायद सरकार की आंख खुली है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं तो एक कहूंगा कि ये जितना जल्दी हो और इसकी आड़ में जो जुल्म किया जा रहा है वहाँ मुस्लिम समाज के लोग, ये बंद हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और निष्पक्ष जांच हो, और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए, और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है, जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। पुलिस का दावा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है, हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम बुजुर्गों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को समझेंगे, जब हम इस तरीके के बच्चों को रोकेंगे, कैसे वो इन सब चीजों में एंगेज हो गए, इस बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं उन सारे बच्चों को जो इस हिंसा में शामिल थे। कहीं से न कहीं से उनको इसका पार्ट बनाया गया था। हमारी कोई मंशा नहीं है कि सीधे उनको उठा के जेल में ठूस दो। हम मूल अभियुक्तों को खोज रहे हैं, हम हाथों को नहीं खोज रहे, और हाथों पे बहुत ज्यादा नजर नहीं है हमारी। हमें पता है कि ऐसे में पब्लिक को कई बार बरगला कर उकसा कर हिस्सा बना दिया जाता है, और जो नुकसान होता है वो सामने वाले का होता है। इस पे हम सारा काम कर रहे हैं। फिलहाल तो जो लोग इसमें शामिल रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हिंसा के मामले को लेकर पुलिस 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, 75 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान हो चुकी है, भीड़ में मौजूद हथियारबंद आरोपियों के वीडियो और तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।